नमस्कार दोस्तों, समस्याएं आपकी समाधान हमारा के YouTube चैनल में मैं जतिन सहगल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आपके घर में आपके बच्चे लगातार बीमार होते रहते हैं? अभी थोड़े दिन आपने एंटीबायोटिक खिलाई, फिर उसके 10-15 दिन बाद फिर बीमार हो गए, कोई तो कारण होगा। देखिए, मैं ये मानता हूं निरंतर कुंडली अपना एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही होती है, कहीं ना कहीं कोई खराब ग्रह की दशा चल रही होती है, यानी जो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर अशुभ फल आपको दे रहा होता है उसकी दशा तो चली रही होती है। पर इसके साथ साथ यदि हम अपने घर के वास्तु को देखें तो यह भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। देखिए दोस्तों, जिन भी घरों के अंदर बच्चे खास तौर से बीमार रहते हैं तो आप यह नोटिस करके चलिए, अगर वो आपका ज्येष्ठ पुत्र है तो कहीं ना कहीं आपके ईस्ट दिशा में कुछ समस्या होगी, ठीक है जी। इसके अलावा यदि आपके घर के अंदर आपकी पुत्री आपकी बेटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बीमार रहती है तो आप समझ जाइए आपके नॉर्थ में कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, यानी आपके घर के वास्तु में नॉर्थ दिशा में कुछ समस्या है। इसके साथ साथ जब परिवार में पति पत्नी भी हो या कुछ भी हो, सबकी ही सेहत में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है, परंतु बच्चों की तो आ ही रही है, तो नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जिन भी घरों में नॉर्थ ईस्ट में कुछ समस्या है वहां पर बच्चों की सेहत, क्योंकि बृहस्पति का ये स्थान है, बृहस्पति इम्यूनिटी का कारक है, बृहस्पति पति पत्नी संबंध है, बृहस्पति बच्चों का कारक है, बृहस्पति विद्या का कारक है, बृहस्पति बहुत सारी चीजों का कारक है। बृहस्पति, जैसा मैंने बोला, देवताओं के गुरु हैं। अगर वो एरिया खराब हो गया तो आप खुद समझदार हैं कि आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी और इम्यूनिटी खत्म हो जाती है, इसीलिए तो हम लगातार जल्दी जल्दी बीमार होते चले जाते हैं, और बच्चों का वो कारक है तो बच्चे और जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। तो दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई रसोई बनी है तो उसको कृपया चेंज करें। नॉर्थ ईस्ट का कोई उपाय नहीं होता, जो व्यक्ति बोलता है कि नॉर्थ ईस्ट का उपाय है वो चोर है, वो ठग है। नॉर्थ ईस्ट का कोई उपाय नहीं होता दोस्तों। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी सीढ़ियां बनी है तो भाग जाओ, उस घर को छोड़ के भाग जाओ। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपकी रसोई है, सस्ते में बिके कैसा बिके बेच करके चले जाओ। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका टॉयलेट बाथरूम है तो मैं बिल्कुल बोलूंगा फटाफट से उसको जितनी जल्दी हो सके बेच करके भाग जाएं। क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में अगर कोई दोष तो वो कैंसर तक का कारक होता है। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट बाथरूम बने, क्योंकि यहां पर वास्तु पुरुष का मुख होता है, अगर इस जगह पे कोई ना कोई दोष होगा तो हमेशा आपको समस्या आनी है। इसके अलावा पुत्र और पुत्री के लिए नॉर्थ और ईस्ट के मैंने कॉर्नर बताए, अगर यहां पर भी कोई समस्या है, नॉर्थ में भी सीढ़ियां या ईस्ट में भी सीढ़ियां, तो भी प्रॉब्लम है, पर इसका इलाज फिर भी किया जा सकता है। पर नॉर्थ ईस्ट का कोई इलाज नहीं। जो व्यक्ति बोले कि नॉर्थ का इलाज है, मान लीजिए है, ईस्ट का है, है, पर अगर वो बोले नॉर्थ ईस्ट का मैं इलाज कर दूंगा, नो, नॉर्थ ईस्ट का एक ही इलाज है, आप उस जगह को तोड़ दीजिए, तोड़ करके उसको प्लेन कर दीजिए और बिल्कुल साफ करके बढ़िया बना दीजिए, उसको रूम बना दीजिए, पूजा रूम बना दीजिए, परंतु कोई किसी प्रकार की सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार का टॉयलेट बाथरूम नहीं होना चाहिए। अगर आप ये हटा देंगे, किचन नहीं होनी चाहिए, तो आप देखेंगे आपके घर में जो बच्चे जो बीमार हो रहे हैं वो धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे। कोशिश करें, अगर कुछ समस्या ईस्ट में या नॉर्थ में है और फिर भी दिक्कत है, तो आप यहाँ के रंग, मतलब अगर बाथरूम टॉयलेट वगैरह कुछ नहीं फिर भी हो रही है समस्या, तो आप नॉर्थ ईस्ट में येलो कलर कराइए तो आप देखेंगे बेटर हो जाएगा। इसमें लाइट ऑरेंज कलर अगर आप ईस्ट में कराएंगे तो बेटर हो जाएगा, और इसमें लाइट ग्रीन कराएंगे नॉर्थ में तो बेटर हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे धीरे धीरे बेटरमेंट हो जाएगी। नॉर्थ ईस्ट में अगर आप येलो कलर का बल्ब जगाएंगे तो भी बहुत बढ़िया होगा, परंतु टॉयलेट बाथरूम और सीढ़ियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ज्योतिष आचार्य जतिन सहगल, समस्याएं आपकी समाधान हमारा YouTube चैनल। धन्यवाद।